निशियाना बिल्ला खंबा नोचता है तो वही राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जिस पार्टी में चला जाता है कांग्रेस उस पार्टियां खत्म कर देता है। शेर हमेशा अकेला ही आता है, झुंड में तो सुअर आते हैं। राहुल गांधी आते हैं तो कोई भारत मुर्दाबाद लगातार नारा, कोई हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो क्या यहाँ सब आदमी सब पागल है क्या? जब तक केजरीवाल था मेरे भाई बहुत बढ़िया जिंदगी बदल ली थी बंदों की। जहाँ पे बीजेपी जीतती है वहाँ पे ईवीएम खराब होती है। अगला प्रधानमंत्री योगी और मोदी है और इसके अलावा कोई नहीं है। 60 साल तक मोदी राज करेगा, 60 साल तक। जब तक जिंदा रहेगा तब तक 60 साल तक मोदी जिंदा करेगा, 50 साल तक योगी, कोई रोकने वाला पैदा। गठबंधन तो आ गया ना, इतना उम्र रहेगी। गढ़ में कुत्ते आते हैं, शेर अकेले ही आता है। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अमित। अमित जी कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो? हाँ। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बन रहा है अगला? मोदी जी। मोदी जी बन रहे हैं? हाँ। क्यों लग रहा है आपको मोदी जी? क्योंकि देखिए उन्होंने सारे योजनाएं दी हैं और साफ सफाई सब चीज़, सीमा सुरक्षा सारा चीज़, और बड़े बड़े मुद्दाओं पर काम किया, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े मुद्दाओं पर काम किया है लेकिन ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है, उनको भस्मासुर कह दे रहा है, रावण कह दे रहा है, कैसे? ये सारी बातें गलत है। जिसने अब मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो मोदी जी ही आएंगे 2024 में, ये तो पूरा गारंटी है। अच्छा, पूरा गारंटी है? हाँ, गारंटी है। अच्छा, और जैसे अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, नीतीश कुमार, इन सब ने जो गठबंधन बनाया है, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएगा मोदी को? मोदी जी का टक्कर नहीं दे पाएगा। 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही आएंगे। राहुल गांधी तो अरविंद केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर सकता। दिल्ली में तो एक सीट भी नहीं आया, मुश्किल से 1-2 सीट आया, तो उससे क्या होने जाने वाला है? लेकिन ये दोनों तो एक हो गए ना, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल एक हो गए तो फिर भी तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मोदी जी ने बड़े बड़े मुद्दाओं पर काम किए हैं और सारा सीमा सुरक्षा और भी साफ सफाई सब चीज के मामले में देश को प्रगति के ऊपर पहुंचा दिए, और साफ सफाई भी अच्छी है दिल्ली में भी, अभी हर जगह की साफ सफाई अच्छी। दिल्ली के आपने जैसा आपने बताया, लेकिन दिल्ली को लंदन पेरिस करने का वादा केजरीवाल ने किया और वो कहते हैं हमने बना भी दिया है लंदन पेरिस दिल्ली को। देख रहा है पहले के मुकाबले तो दिल्ली बहुत अच्छा है अभी। दिल्ली में साफ सफाई हर जगह, लेकिन साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन अभी दिल्ली बहुत मतलब पहले के मुकाबले तो अच्छा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे 2024 में। ये मोदी जी बहुत बड़े बड़े मुद्दाओं पर और बहुत सारे काम किए हैं, और सीमा सुरक्षा 370 धारा 370 सारे हटा दिए। क्या लग रहा है आपको प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए अगले? हमको उसके बारे में भैया आइडिया नहीं। अभी देख लो भैया, पाकिस्तान का हिंदू भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। हाँ। जिस राज्य में, यहाँ पर सब मुस्लिम भाई भी सुरक्षित है। हाँ। इसका कुछ कारण है? पाकिस्तान में मोदी की डिमांड हो रही है एकदम से, और विपक्ष कह रहा है कि मतलब मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को गरीब कर दिया है उन्होंने। देश तो अमीर हो गया भैया, अब राहुल गांधी आएंगे तो गरीब तो हो ही ना जाएगा। वो तो कहते राहुल गांधी तो कह रहे हैं बीजेपी ने कर दिया गरीब, क्या बात करें। एक मिनट रुकिए, आपको क्या लग रहा है भाई साहब, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश के अंदर? भाई साहब जो जैसा कर रहा है सब ठीक है। अच्छा। सब ठीक है, जो जैसा कर रहा है सब ठीक है अपने लिए। अगली बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं मोदी जी? जी जरूर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। वो तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इतना देश के अंदर। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं, जो कह रहा है उनके लिए कर दोगे भाई, हमारे तो नहीं करते, हमारे तो सही करते हैं। अच्छा अच्छा, कांग्रेस के एक नेता उन्होंने बोला जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस हैं, क्या उनको ऐसी बातें कह रहे हैं? गांव की भाषा में बोलते हैं कि खिसियाना बिल्ला खंबा नोचता है, तो वही राहुल गांधी जी का है। अच्छा जी, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने तो चाहिए और आएंगे भी, आने चाहिए और आएंगे भी। क्या लग रहा है विपक्ष इतना मजबूत हो गया है, टक्कर दे पाएगा मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी विपक्ष टक्कर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, वो कहीं से कहीं तक है ही नहीं विपक्ष। यूपी में मोदी जी, हर जगह मोदी जी, सारी पार्टियां इकट्ठा हो गई, आप कह रहे हैं? एक सेकंड भैया, जिस पार्टी में कांग्रेस जाता है उस पार्टी को डुबा देता है कांग्रेस राहुल गांधी, जिस पार्टी में चला जाता है कांग्रेस उस पार्टियां खत्म कर देता है। बताइए इसमें कांग्रेस का अब अगला 2024 के बाद कांग्रेस का नाम भी खत्म हो जाएगा। हाँ। कोई पार्टी भी कांग्रेस का ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन अब तो एक साथ हो गए ना, सब एकजुट हो गए तो साथ में काम करेंगे, साथ में हराएंगे। 2024 तक एकजुट है, उसके बाद सब खत्म है। हाँ। तो जीत जाएंगे ना फिर तो? नहीं जीत पाएंगे ना, मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, मोदी जी किस बेसिस पर आने चाहिए? शेर हमेशा अकेला ही आता है। अच्छा, झुंड में तो सुअर आते हैं। काम क्या किया है शेर ने? महंगाई बढ़ा दी है। इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है, उतने ही फायदे हो रहे हैं यार किसी को। क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? कहाँ हो रही है बेरोजगारी? इसके अंदर बेरोजगारी होगी, राहुल गांधी लगातार कहते हैं। मैं तो जॉब कर रहा हूँ, 65,000 सैलरी ले रहा हूँ। देखिए राहुल गांधी आते हैं तो कोई भारत मुर्दाबाद लगातार नारा, कोई हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो क्या यहाँ सब आदमी सब पागल है क्या?
हिंदू और हम लोग देखते रह जाते हैं, नारा लगा के चल जाता है, ये क्या बात हुआ। हम लोग भी तो भारत के ही हैं, कोई हमारे जिस थाली में खाता उसी थाली को छेद करता है, ये कौन सा बात हुआ हमारे देश। ऐसी कहते हैं उनसे गलती हो जाती है, बच्चे हैं वो तो मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं। अगर दारू पिया भी रहता है ना उसको भी होश रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये सब जानबूझ के बोल रहा है, ये सब अच्छा नहीं, पब्लिसिटी आने के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं। अरे ये कोई देश द्रोही नारे अच्छे नहीं होते, जिस जहाँ रहते हैं वहीं के बुराई करते हैं। अच्छा, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। केजरीवाल ने दावा कर दिया है वो मतलब जीत जाएंगे, जैसे पंजाब ले गए इनके हाथ से, और कांग्रेस को तो वो हरा ही दे रहे हैं हर जगह, और अब उनके साथ हो गए। दिल्ली के बारे में नॉलेज नहीं है, जो मैं यूपी से हूँ मुझे नॉलेज नहीं है। क्या लग रहा है केजरीवाल के कामों के बारे में सुना होगा केजरीवाल, बताइए आप बताइए केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल था ना जब तक दिल्ली में, केजरीवाल था जब तक केजरीवाल था मेरे भाई, बहुत बढ़िया जिंदगी बदल ली थी बंदों की, ठीक है। केजरीवाल तो अभी भी है ना दिल्ली में, मेरी बात सुनो आप, जब केजरीवाल था ना, केजरीवाल था बहुत बढ़िया जिंदगी थी, जो फुटपाथ पे भी थे ना उनकी भी लाइफ अच्छी थी, लेकिन जब से केजरीवाल के बाद में जो दूसरा बाप बिठा थे ना लाके, बाट लग गई। कौन सा बाप जो आप देख रहे हो, दुनिया देख रही है। केजरीवाल को बनना चाहिए प्रधानमंत्री हकीकत में। अच्छा, क्या काम किया केजरीवाल ने? बिजली पानी बिजली कर दिया, करा कहा जा नहीं रहा, बिजली पानी बजट खराब कर दिया दिल्ली का, तो वो केजरीवाल बनेगा? बजट खराब कर दिया कैसे बन जाएगा केजरीवाल ने? अब ऐसे तो कर दिया, एक मिनट रुक जाओ। वैसे तो मास्टर नू कहते हैं कि पोस्टर मैंने दो हाथ पैर दिए भगवान ने, करो के लिए केजरीवाल सही है, मुख्यमंत्री के लिए केजरीवाल सही है, बाकी प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी अभी आने चाहिए। केजरीवाल सही है, पूरा चांस है। मोदी जी ने रेवाड़ी रैली में ये कहा था, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब अपना फर्ज निभाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना कर्ज निभाओगे। अच्छा। मैं देश झुकने नहीं दूंगा, मैं देश मिटने नहीं दूंगा, नहीं मिटने देंगे, नहीं मिटने देंगे। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बताओ, चलो केजरीवाल क्यों बनने चाहिए प्रधान? एक मिनट रुक जाओ, आज से कुछ साल पहले एक घटना हुई थी, क्या हुई थी कि अंग्रेजों ने हमारे पे राज करा था, 22 देश के फिर आ रहे हैं, 7 तारीख से 11 अक्टूबर तक लॉकडाउन लगेगा, ये बताओ अंग्रेज। एक मिनट, उसके बाद में मोदी जी कह रहे हैं यहाँ हमारा बिजनेस चलाएंगे, यहाँ के बंदे वहाँ भी नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि बंदे पता नहीं कहाँ चलेंगे। भाई साहब आप ये बताइए कि केजरीवाल बन पाएंगे प्रधानमंत्री? केजरीवाल आएगा मेरे भाई, केजरीवाल बन पाएंगे? अच्छा काम करा, क्या काम करा केजरीवाल ने? सब काम किया, गली गली में रोड बनवा दिया, गली गली में रोड बनवा दिया, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं खुद आया, मुझे तो माँ गंगे ने बुलाया है, माँ गंगे ने बुलाया है। केजरीवाल भगवान का अवतार बना तो है, लेकिन पानी और बिजली फ्री कर दी, बजट खराब करते। मोदी जी ने कभी बजट खराब नहीं किया। बसों भी तो फ्री करी है बसें केजरीवाल ने, महिलाएं कितना सुखी से जीवन जी रही दिल्ली के अंदर। फ्री कर दे तो सब चीज कर दे, अच्छा और भी गरीब के लिए तो अच्छा, जितने फ्री होंगे उतने अच्छे हैं। अच्छा फ्री फ्री कर देंगे, देश डूब नहीं जाएगा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कहते हैं फ्री हो रहा है, महंगा कुछ नहीं, सब जिंदाबाद है। आपको नहीं लग रहा मोदी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं भाई, केजरीवाल। केजरीवाल हाँ, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, इतने बड़े बड़े नेता, ये नहीं बनने सब। ये केजरीवाल भाई बहुत अच्छा काम कर रहा, आगे भी करेगा, अपने हमारी दिल्ली के लिए अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री बना देना चाहिए उनको। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, इंडिया गठबंधन जो है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मोदी देश में ईडी सीबीआई अगर कानून इस सब के बदले साथ में लेके बदले के भावना से काम करती है, अगर ये कानून का साथ नहीं ले, ईमानदारी से चुनाव लड़े, तो इंडिया की जरूरत नहीं है, पूरे देश में, मेरे पूरे देश में दिल्ली सरकार केजरीवाल मोदी के लिए अकेले चुनाव हराने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं गारंटी इस बात का देता हूँ, ईमानदारी से मोदी चुनाव लड़ के दिखाए। लेकिन दिल्ली में तो जीत रहे हैं केजरीवाल, ये तो ईमानदारी है। अच्छा, अगर जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो, बाकी का गलत हो जाता है, मोदी जी ऐसे ही जीत जाते हैं। मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ, बताइए आप बताइए, जहाँ पे बीजेपी जीतती है वहाँ पे ईवीएम खराब होती है, और जहाँ पे कोई भी पार्टी जीतती है, कोई भी स्टेट जीतता है, पंजाब के अंदर क्यों नहीं खराब हुई? पंजाब तो सिख महान है, सिख भाई बहुत महान है, जो सबका सेवा करता है, सबका, सिख का तो कोई जवाब ही नहीं है। पंजाब
पंजाब सबको दुनिया को भारत को बैठा के खिला खिलाने का हिम्मत रखता है। सुनो सुनो, इन्होंने जो कहा कि जहां अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो वहां ईवीएम खराब नहीं होती है, पहले बोलने दो। इंडिया गठबंधन तो अब आया है, इंडिया नहीं, एक मिनट, वो भी इंडिया नहीं है, आई डॉट एन डॉट, वो डाउट नहीं है, वो डाउट है, महान आदमी है, वो डाउट ही है अभी। सब एक साथ हो गए तो लग नहीं रहा मुझे वो टक्कर दे पाए भाई, टक्कर नहीं देंगे मोदी को। भाई साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अरे भाई साहब आराम से बात कीजिए, भाई साहब आराम से बात कीजिए, पीछे पीछे से अरे बोलने दीजिए उनको, बोलने बेटा मेरा है नहीं। मोदी जी की बात आप ये बताइए, टक्कर दे पाए भाई साहब? भाई साहब बोलने दीजिए उनको, आप ये बताइए क्या गठबंधन टक्कर दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा भैया? मेरी भौंहियां ऐसी हैं, आप बताओ क्या कह रहे हो? अगला प्रधानमंत्री योगी और मोदी हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। 60 साल तक मोदी राज करेगा, 60 साल तक, जब तक जिंदा रहेगा तब तक, 60 साल तक मोदी जिंदा करेगा, 50 साल तक योगी, कोई रोकने वाला पैदा तेरी उम्र रोकने के लिए गठबंधन तो आ गया ना, उम्र रहेगी, घर में कुत्ते आते हैं शेर अकेले ही आता है। अच्छा।